दोस्तों आज की घटना की शुरुआत साल 2015 में गुजरात के वडोदरा के परियोजना नामक सोसाइटी से शुरू होती है। वहां पर एक इंस्पेक्टर रहते थे जिनका नाम था अजय देसाई। वो गुजरात के करजन थाने में पोस्टेड थे। वही एक दिन उनकी ड्यूटी अहमदाबाद के एक स्कूल में लगती है, जहां उनकी मुलाकात स्वीटी नामक लड़की से होती है। दोस्तों स्वीटी एक तलाकशुदा लड़की होती है और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उनका एक बेटा भी होता है जिनका नाम होता है रिदम। वह भी अपने पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हालांकि स्वीटी का तलाक हो चुका होता है, लेकिन जो है बेटे का मोह जो है छूटता नहीं है और कभी कदार स्वीटी अपने बेटे से बात किया करती थी। लेकिन दोस्तों जब अजय देसाई और स्वीटी पटेल की मुलाकात होती है तो दोनों को विचार आपस में मिल जाते हैं और एक साल प्रेम प्रसंग में रहने के बाद जो है ये दोनों साल 2016 में एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। दोनों का परिवार अच्छा गुजर रहा था। स्वीटी और अजय देसाई एक दूसरे से प्यार करते थे और बहुत खुश थे। कुछ ही साल बाद जो है इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अंश। अंश के होने के बाद ये दोनों और भी हैप्पी रहने लगे थे। दोस्तों एक दिन की बात है, 4 जून 2021 को स्वीटी अचानक अपने घर से वडोदरा से गायब हो जाती है और उनके पति जो होते हैं अजय कुमार देसाई तो उनको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन स्वीटी का अता पता नहीं चलता है। दोस्तों स्वीटी अचानक अपने घर से कहां गायब हो गई, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरके, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन पावर बढ़ता है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह है गुजरात के वडोदरा की। यहां पर दोस्तों 4 जून 2021 की रात को इंस्पेक्टर अजय जो होते हैं वह अपने साले जयदीप को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि शाले साहब क्या आपकी दीदी आपके वहां आई है। तो जो उनका शाला होता है जयदीप वह पूछता है जीजा जी क्या हुआ, दीदी तो यहाँ नहीं आई है। तब जयदीप के जो जीजा अजय कुमार देसाई होते हैं वह बताते हैं कि हम लोग रात में सोए हुए थे, रात को जब मेरी नींद खुलती है तो आपकी दीदी यानी कि स्वीटी जो है घर पर नहीं होती है, मैंने इसको यहाँ पर बहुत ढूंढा लेकिन आपकी दीदी हमें नहीं मिल रही है। दोस्तों यह सुनकर जयदीप जो है बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और यह कहकर जो उनके जीजा है वह फोन काट देते हैं और कहते हैं जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। धीरे धीरे सुबह होती है, अजय देसाई होते हैं वो अपनी बीवी को ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में छानबीन करने के बावजूद भी स्वीटी का कोई पता नहीं चलता है। अब जयदीप जो होता है दूसरे दिन जो है अपने जीजा अजय देसाई को कॉल करता है और कहता है कि जीजा जी मेरी दीदी का कुछ पता चला, तो उधर से जवाब आता है कि नहीं साले साहब अभी भी आपकी दीदी यानी कि मेरी पत्नी का कोई पता नहीं चला है। इधर सुनकर जो है जो जयदीप होता है और परेशान हो जाता है। जयदीप एक बार फिर से अपने जीजा अजय देसाई को फोन करता है और कहता है जीजा श्री ये बताइए कि आपके और दीदी के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। तो अजय देसाई कहते हैं कि नहीं साले साहब ऐसा कुछ नहीं है, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, बिना लड़ाई झगड़े के वो आखिर 2 साल के बच्चे को छोड़कर कहाँ जा सकती है। तो जयदीप होते हैं वो कहते हैं जीजा तो आप पुलिस में हैं तो आपकी कहीं ना दीदी का पता लगाइए। तो अजय देसाई होते हैं वो कहते हैं अपने साले से कि हाँ साले साहब मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है थोड़ा टाइम दो मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे शाम होते हैं और सुबह होती है, स्वीटी का कोई पता नहीं चलता है। जयदीप के पिताजी और माता पिता जो है अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होते हैं और जयदीप अपने सभी रिश्तेदारों के वहां फोन करता है और फोन करके अपनी स्वीटी दीदी के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन बाद उससे कहीं भी उसकी स्वीटी दीदी कहीं नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे दोस्तों अब जो है स्वीटी को गायब हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका होता है, लेकिन स्वीटी का कोई पता नहीं चल रहा होता है। इस बीच जयदीप अपने जीजा अजय देसाई से लगभग कई बार फोन पे बात करते हैं, लेकिन जो है हर बार उनको निराशा ही हाथ लगती है। अब 11 जून 2021 को जयदीप जो होता है गुजरात के वडोदरा पहुंच जाता है और वहां जो है अपने जीजा से फिर एक बार पूछता है कि जीजा जी सच बताइए दीदी और आपके बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था। तो उस पर अजय देसाई कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, मैं खुद इस बात से चिंतित हूँ, अगर झगड़ा हुआ था तो 2 साल के बच्चे को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी। अब जो है यह बात सुनकर जयदीप जो होता है वहीं के पास में स्थित करजन थाना पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले इंस्पेक्टर अजय देसाई पोस्टेड थे। अब दोस्तों जयदीप करजन थाने पहुंचते हैं और अपने बयान के आधार पे जो है वहां पे अपनी दीदी स्वीटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अपने बयान में बताते हैं कि साल 2021 की रात उनके जीजा इंस्पेक्टर अजय देसाई उन्हें फोन करके कहते हैं
कि आपकी दीदी नहीं मिल रही है, कि आपके वहाँ आए हैं। इसी बयान को आधार मानकर जो है पुलिस उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देती है। चूंकि मामला पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर से जुड़ा होता है, तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग जो होता है त्वरित कार्यवाही करते हुए स्वीटी की जांच पड़ताल में जुट जाता है। दोस्तों, स्वीटी की जांच शुरुआती दौर में इसमें आसपास के कई इलाकों को छान मारती है, लेकिन स्वीटी का कुछ पता नहीं मिलता है। नदी नाले और जो आसपास हॉस्पिटल्स होते हैं और आसपास के जो थाने होते हैं, पुलिस उनमें भी जा करके जो है स्वीटी का फोटो ले जा करके पता करती है, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आता जिससे स्वीटी का कुछ पता चल सके। अब जो है पुलिस बहुत परेशान होती है। पुलिस डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से भी इलाके की छानबीन करती है। आसपास के इलाके और जो मध्य प्रदेश राजस्थान के भी कुछ इलाके हैं वहाँ भी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है और पुलिस जो होती है अपने मुखबिरों को एक्टिव कर देती है। दोस्तों, इस बीच जो है उच्च अधिकारियों की करीब जो है मीटिंग किए जा रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट होता है पुलिस विभाग का कुछ आता नहीं दिख रहा होता है। और इसी बीच में कम से कम जो पुलिस विभाग होता है अजय देसाई से भी करीब 20 बार पूछताछ करता है, लेकिन हर बार उसको पुलिस को वही जवाब मिलता है कि मैं नहीं जानता मेरी बीबी कैसे लापता हुई। अब दोस्तों, पुलिस जो है 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगालती है, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। अब धीरे धीरे लगभग एक महीना बीत रहा था। एक महीने के बाद जो है पुलिस विभाग जो होता है स्वीटी के गुमशुदगी की इश्तेहार होता है वह अखबार में देती है, लेकिन इश्तेहार देने के बाद भी वहाँ से कोई रिजल्ट निकलता नहीं मिलता है। चूँकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा होता है तो यह केस जो है मीडिया में भी खूब सुर्खियाँ बटोर रहा होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और पुलिस के हाथ खाली थे। इस पर जो है मीडिया तरह तरह के सवाल उठा रहा था पुलिस की नाकामी पर। और दोस्तों, जो पुलिस होती है लगातार अपनी कोशिशें करते हुए हार रही थी, कहीं भी स्वीटी का पता नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस केस के लगभग 35 दिन जब बीतते हैं तो एक जो है मुखबिर के माध्यम से पता चलता है कि गुजरात के भरूच जिले के अटारी गाँव के पास जो है एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास जली हुई हड्डियां मिली हैं। तो दोस्तों, फॉरेंसिक टीम के साथ जो है करजन थाने की पुलिस जो है तुरंत पहुंचती है और हड्डियों को अपने अंडर ले करके प्रयोगशाला भिजवा देती है। लेकिन अभी वह पुलिस जो होती है उस हड्डियों को स्वीटी के केस से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है, वो एक अलग दिशा में ही सोच रही होती है। अब जो है धीरे धीरे इसको लगभग जो है 40 दिन के आसपास हो चुके थे। अब सरकार की नाकामी, पुलिस की नाकामी की वजह से गुजरात सरकार पर बहुत बड़े दाग लग गए थे, तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी मीडिया में। तब दोस्तों, गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया कि यह केस जो है स्वीटी का वह अहमदाबाद की CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, 40वें दिन जब जो है अहमदाबाद की CBI को यह केस ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो CBI होती है शुरुआती जाँच जो है स्वीटी की फाइलें करजन थाने से मंगवाती है। बारीकी से पढ़ने के बाद जो CBI के ऑफिसर्स होते हैं उनको यह लगता है कि यह जो केस है यह घरेलू हिंसा का मामला है। अब इस बीच जो है सब की सुई इंस्पेक्टर अजय देसाई पर घूमने लगती है। अब इनके नार्को टेस्ट की मंजूरी के लिए कोर्ट में CBI अर्जी लगाती है और वह अर्जी मंजूर भी कर ली जाती है। चूँकि जो इंस्पेक्टर देसाई होता है पुलिस की जाँच और पुलिस की खामियों के बारे में उसे पूर्ण रूप से पता होता है, तो वह नार्को टेस्ट से मना करने के लिए खुद को बीमार साबित कर लेता है और नार्को टेस्ट देने से मना कर देता है। अटारी गांव के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास में जो हड्डियां मिली थी उसकी DNA रिपोर्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम था। तो जो CBI होती है शुरुआती जांच शुरू करने के लिए इंस्पेक्टर देसाई के घर से ही शुरुआती जाँच करना शुरू करती है। दोस्तों, जैसे ही CBI जो है इंस्पेक्टर देसाई के घर वडोदरा स्थित परियोजना अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहां जब घर को बारीकी से छानबीन की जाती है और घर को एक केमिकल के माध्यम से धुलवाया जाता है तो जो मिलता है देखकर रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, CBI को अजय देसाई के टॉयलेट में खून के छींटे मिलती हैं। इससे यह साफ हो जाता है जो भी घटना घटी है स्वीटी के साथ वह उसी घर में घटी है। दोस्तों, इन खून की छींटों के आधार पर CBI जो होती है इंस्पेक्टर देसाई को हिरासत में ले लेती है और अपने क्राइम ब्रांच लेकर चली आती है। वहां दोस्तों कड़ी पूछताछ के बाद जो है इंस्पेक्टर देसाई होता है वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और 24 जुलाई 2021 को CBI जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है स्वीटी के केस को सॉल्व करने की बात कहती है और बताती है कि जो इंस्पेक्टर देसाई है उसी ने अपनी पत्नी स्वीटी देसाई का कत्ल किया है और अब स्वीटी इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस बारे में CBI जब इंस्पेक्टर देसाई से पूछती है कि
कि आपने स्वीटी का कत्ल क्यों किया, तो जो इंस्पेक्टर देसाई बताते हैं बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीबीआई को बताता है कि साल 2016 में जब स्वीटी और अजय की शादी हुई थी तब जो है उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी और उसके कुछ दिनों बाद ही स्वीटी प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे यह सब चल रहा होता है और करीब 6 महीने बाद जो है अजय की पूजा नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है और वह बेहद खूबसूरत और कुंवारी लड़की होती है। तो दोस्तों अजय अपने आप को नहीं रोक पाता है और उसकी भावनाओं में बह जाता है और पूजा से शादी कर लेता है। दोस्तों उधर स्वीटी जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही दिनों बाद इधर पूजा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त आगे बढ़ता है और जो पूजा होती है अपने और जो स्वीटी होती है अपने बच्चे अंश को जन्म देती है। अब वह अंश लगभग 2 साल का हो चुका होता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अजय को पता था कि जब पूजा के बारे में जब स्वीटी को पता चलेगा तो यह ठीक नहीं होगा, इसलिए अजय ने पूजा को एक दूसरे फ्लैट में रखा था। वो टाइम निकाल कर कभी कभार जाया करता था, लेकिन एक दिन अचानक जो है स्वीटी को पूजा के बारे में पता चल जाता है और इस बारे में अजय देसाई से और स्वीटी की बहुत ज़्यादा नोकझोंक होती है, तीखी बहस होती है। लेकिन जो अजय होता है उससे प्यार करता होता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता है। धीरे धीरे यह सब चलता है और एक दिन अचानक जो है स्वीटी और अजय की बहुत तीखी नोकझोंक हो जाती है और अजय अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और जो स्वीटी का गला होता है वो दबा देता है और स्वीटी वहीं पर दम तोड़ देती है। और जो है अजय देसाई का एक दोस्त होता है, उसका एक होटल बन रहा होता है गुजरात के अटारी गांव के पास, एक होटल का निर्माण हो रहा होता है, वह उसके एक दोस्त का होता है और लाश को सुबह अपनी जीप में डाल करके स्वीटी की लाश को सुबह अपनी जीप में डाल करके वह ले जाता है और उसके होटल के पीछे जो है केमिकल और लकड़ियों के माध्यम से उसे जला देता है। लेकिन पूर्ण रूप से लाश जलती नहीं है क्योंकि वह वीरान इलाका था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए वहाँ पर जलाना अजय देसाई ने इसको सेफ समझा। लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो कानून के हाथ से नहीं बच सकता। जब यह कबूल कर लेता है फिर जो है उसके दोस्त और अजय देसाई को कोर्ट के माध्यम से 10 दिनों की रिमांड दी जाती है और केस चलता है। केस चलने के बाद जो है अजय और उसके दोस्त को सजा हो जाती है। दोस्तों आज वह दोनों जेल काट रहे हैं। अजय देसाई की अच्छी खासी जिंदगी जो है अब नर्क बन चुकी है। कोई भी हो दोस्तों खुलने पर वो बहुत बड़ा दर्द देता है, इसलिए जुर्म करने से हमेशा बचें। और दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपसे यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।